पाठ 11 समस्या का हल। रामास्वामी और श्रीधरन दो पक्के मित्र हैं। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों के घर भी आमने सामने हैं। दोनों स्वभाव से भी अच्छे हैं। सदैव हंसते मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय दोनों बहुत उदास थे। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। दोनों को चुपचाप चलते देख दसवीं में पढ़ने वाली चित्रा दीदी ने पूछा, क्या बात है, सदैव हंसने मुस्कुराने वाले आज चुपचाप क्यों हैं? न बातचीत, न हंसी मजाक, कुट्टी हो गई है क्या? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात यह है दीदी कि परीक्षा निकट आ गई है और मेरी गणित की और श्रीधरन की हिंदी की तैयारी अभी भी पूरी नहीं हुई है। तुम दोनों ट्यूशन ले लो। दीदी आप तो जानती ही हैं कि हमारे पापा की आमदनी उतनी नहीं है कि ट्यूशन दिलवा सकें। ठीक है, शाम 5 बजे तुम दोनों मेरे घर आ जाना, वहीं मिलकर कुछ सोचेंगे। ठीक 5 बजे दोनों चित्रा दीदी के घर पहुंच गए। दीदी दोनों को अपने स्टडी रूम में ले गई, प्यार से बैठाया और पूछा, श्रीधरन तुम्हारी गणित की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है दीदी। तुम्हारी हिंदी की तैयारी कैसी है रामास्वामी? बहुत अच्छी है दीदी। फिर तो हो गया तुम्हारी समस्या का हल। वो कैसे? श्रीधरन तुम रामास्वामी की मदद गणित की तैयारी करने में करोगे और रामास्वामी तुम श्रीधरन की मदद हिंदी की तैयारी करने में करोगे। बोलो मंजूर है? श्रीधरन और रामास्वामी कभी एक दूसरे का तो कभी दीदी का चेहरा देखने लगे। फिर दोनों एक साथ बोल पड़े, यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं। चलो अब दोनों खुश हो जाओ। धन्यवाद दीदी, हमारी समस्या का इतना आसान हल निकालने के लिए। इसके साथ ही दोनों का मुरझाया चेहरा खिल उठा। दोनों उछलते कूदते अपने घर आ गए और परीक्षा की तैयारी में जुट गए।